वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल डबल हेयर स्टाइल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवमी और नवमी के दिन हमारे यहाँ हवन होगा, कुमारी कन्या खाएंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए क्या क्या होता है, वो भी सारी चीज़ एंजॉय कीजिए। और जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। नौ कन्या खाएंगी, जिसके लिए मम्मी प्लेट सारी आ रही है, देख सकते हैं। चुनरी है प्लेट में, नारियल है, पैसा डलाएगा और केला है, और प्लेट सहित नौ कन्या को मम्मी देंगी। जूम करिए ना, पैसा दिखाइए ना। बंद करिए। चने की सब्जी, और इसमें आज मैजिक हुआ है, वो मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ। मुझे इसमें पैसा मिला है, एक दो नहीं पूरे 12 रुपया, 10 का सिक्का था, 2 का सिक्का मिला है। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो चने को अच्छे से चुन ली थी, वही चना में मुझे मिला है। जब मैं धो भी ली तो मुझे नहीं मिला। जब मैं कढ़ाई में डाली हूँ तो मुझे खटखट खटखट आवाज़ करा, जब मैं निकाली तो देखी एक 10 का सिक्का और एक 2 का सिक्का था। और वो मैं आपको दिखा देती हूँ सिक्का, ये वही सिक्का है, देख सकते हो। अभी किचन में ही मैं रखी हुई हूँ सारे प्लेट में, तैयारी कर रही हैं। ये सब तैयारी है। और यहाँ देखिए, ये खीर बना दी है मम्मी, और अभी मैं पूरी बना रही हूँ किचन में। ओम ओम प्रसिन्न मात्र शुभम्यावान विदिते कुजगमय अग्निजिहवाम नमः सुरक्षक्षोऽसौ विश्वेन देवा औषागमन्निः ओम भद्रं कणे विचुणयाम देवा स्थिरांगय तुष्टवा सतमीनु सरदो आंति देवाय तान जल संत नूनां पुत्रासो यत पितरो भवान्ति मानो माध्य लिखिता युगान्तो अदिति धौर अदिति माता सपिता सपुत्रो विश्वेन देवाय अदिति पांच जनाय अदिति मातो जनि त्वं शांति ऋषभो शांति पृथ्वी शांति रुद्रः वनस्पतः शांति सर्वगो शांत भयं कुरु। श्रीमान् गणपतेभ्यो नमः। लक्ष्मणाय भ्यो नमः। शचिप्रान्तराय भ्यो नमः। मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। तान्देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवता सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। घनश्यामिकाम्भ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्येषु शारदकृष्णं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तु ते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल। नीचे कॉल क्या पड़ा तो अपने काम बाबू डल का वक्त हम डल कोई डल दो में डल ना ना जब अगर जेल सामने वहां कर लेगी तो तुम डल दी ऐसे अपना कर।
यहाँ आप देख रहे होंगे नौ कन्या बैठी हुई एक लाइन से। अब मैं एक एक करके सारे कन्याओं की पैर धो रही हूँ। पैर धोने के बाद कपड़े से पोछूंगी। कपड़े से पोछने के बाद मैं आलता लगाऊंगी सारे कन्याओं को। तो अभी फ़िलहाल मैं पैर धो रही हूँ। देखिए मम्मी अब पानी लाएंगी और मैं पैर धोऊंगी। धो के मैं पोछ ली। ऐसे करके मैं सारे कन्याओं का पैर धोई हूँ और अब मैं आलता लगा रही हूँ। सारे कन्याओं का पैर रंग रही हूँ मैं। और ये देखिए कुंज उधर से आ गया है। ऐसे करके मैं सारी कन्याओं का पैर रंगती हूँ। और ये हैं आंटी। आंटी अब बिंदी लगाएंगी। देखिए बिंदी लगा रही हैं माता रानी लोग को। और ये हैं मम्मी। ये भैरव भैया का पैर धो रही हैं क्योंकि एक भैरव भैया को खिलाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं कन्याओं के सर पे चुनरी रख रही हूँ। ऐसे करके नौ कन्याओं के सर पे चुनरी रखूँगी। फिर भैरव भैया के सर पे भी मैं रखती हूँ चुनरी। हम लोग को लेट हो गया था उस दिन। आई थिंक तीन या देखिए मैं यहाँ पे भैरव भैया को भी चुनरी सर पे रख रही हूँ। अब सारे लोग सारे कन्याओं को खाना खिलाऊंगी। खाने में है खीर है आलू चने की सब्जी है पूरी है। तो यही माता रानी को भोग लगा था। और ये छोटी सी कन्या है ये 1.5 साल की है और ये रो रही थी तो इनकी बहन लेके चली गई। बाकी जो समझदार हैं वो बैठ के अपना खा रही थी कन्या। अच्छा लगता है अगर घर में ऐसे ओकेजन हो बहुत अच्छा लगता है। दशहरा में तो लगता ही नहीं है 10 दिन लगता है। वाह कहाँ सच में घर में देवी जी आ गई हैं। यहाँ पे सारी कन्याएं खाना खा रही हैं। आंटी परस रही हैं मम्मी खिला रही हैं और मम्मी पानी देंगी। अब देख रहे होंगे वीडियो बहुत फास्ट में कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो ज़्यादा लंबा मैं डालती तो बोरिंग लगता है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दी कि ताकि आप लोग जल्दी से देख के कमेंट कर सकें। और यहाँ पे देख सकते हो मम्मी प्लेट में जो नारियल केला और पैसा रखी हुई थी वो प्लेट के साथ ही सारे कन्याओं को दे दी। और भैरव भैया को भी दे रही हैं वो भी फुटेज मैं दिखा रही हूँ आपको। आंटी भी दे रही हैं। यहाँ देखिए ये छोटी सी कन्या जो साथ में बैठ के नहीं खाई अलग खाई उनको भी मम्मी दे रही हैं। यहाँ पे आंटी दे रही हैं सारे लोगों को केला और पैसा दे रही हैं। ये हैं भैरव भैया इनको भी मम्मी दे रही है प्लेट में प्रसाद। और ये हैं अब अक्षत मम्मी हाथ में दे रही हैं। अब सारी कन्याओं को प्रणाम करूंगी। सारे लोग करते हैं देख सकते हैं मम्मी मैं ये छोटी जीजो कन्या है उनको चोट लग गया था और खूब रो रही थी जब मैंने दवा लगाई तो वो के दर्द हो रहा है। देखिए अब अक्षत डाल रही हैं सर पे आशीर्वाद दे रही हैं। आप लोग भी अपने घर में करते होंगे अच्छा लगता है। और ये है कुंज अपने चाचों के गोदी में। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये नौमी का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जी हाँ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें क्योंकि अगली बार जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।